शाजिया, इशाद का आवाज़ दे बेटा, खेलता रहेगा तो होमवर्क कब करेगा? जी अम्मी, अभी बुला के आती हूँ। ले ले ले, जल्दी ला, दे दे दे। अरे यार, अशरफ जल्दी, इशाद, इशाद, इशाद पापा, अम्मी बुला रही है, मेरी पार्टी नहीं आई अभी तक, पढ़ाई कौन करेगा? मैं थोड़ी देर में आऊँगा, ठीक है? मैं अम्मी को बोल देती हूँ फिर। बोल बोल, जल्दी बोल। अम्मी, हाँ, इशाद अभी खेल रहा है, थोड़ी देर में आएगा। ठीक है, मैं तब तक कमरा तैयार कर दूँ? तीनों कमरों की बेडशीट चेंज कर लेना, एक घंटे में सब आना शुरू कर देंगे। ठीक है। और सुन, तो खुद भी थोड़ा तैयार हो जाना। जी अम्मी। शाजिया। जी अम्मी। बेटा वाहिदा को फोन करके पूछ, मुस्कान और अलविरा क्यों नहीं आई तीन दिन से? तबीयत तो ठीक है उनकी? ठीक है अम्मी, अभी फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रुबीना भी। वालेकुम अस्सलाम रुबीना भी, वो बैठना। पर आप जरा जल्दी आ गए हैं, लड़कियों को आने में वक्त है, अभी लगभग एक घंटा लग जाएगा। तो अंदर ही इंतज़ार कर लेते हैं, अभी जाके फिर से कहाँ हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। कौन है, कौन है ये? फ्रिज वाला पानी लाना। अभी अभी पानी लेने जाऊंगा तो अम्मी रोक लेगी, नहीं आ पाऊंगा। अबे कुछ नहीं रोकेगी यार, तू जाना, गला सूख रहा है, जाना। हाँ यार, ठीक है, चल जा जा जा, चल खेल। का डब्बा भी ले ले। मुस्तक भाई, मुस्तक भाई जल्दी घर चलिए। क्या हुआ? रुबीना भी को किसी ने गोली मार दी। क्या? रुबीना, ए हटो हटो, रुबीना, रुबीना। अबू शाजिया, शाजिया कहाँ? पता नहीं मुस्तक भाई, कोई अंदर गया नहीं अभी तक। शाजिया, 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 बेटा, चल। रुबीना शेख और उनकी बेटी साजिया शेख दोनों डेड ऑन अराइवल थे इंस्पेक्टर। आप पोस्टमार्टम स्टार्ट कीजिए, तब तक हम क्राइम सीन पर होकर आते हैं। शेख, कुछ बता सकते हो क्या हुआ, कैसे हुआ? मेरा पड़ोसी है इम्तियाज, वो दौड़ा दौड़ा आया दुकान पे और मुझे बताया कि रुबीना को किसी ने गोली मार दी। इरशाद मेरा बेटा है, उसने सबसे पहले अपनी मां को देखा।
मैडम जी, पड़ोसियों से बात हुई है, पता चला है कि इस घर से धंधा चलता है। लगता तो नहीं कि घर से कोई भी सामान लूटा गया है, जो भी थे माँ बेटी को मारा और चले गए। सर, हमने इरशाद को ठंडा पानी लाने भेजा था और उसके बाद हमने इसकी चीखें सुनी। जोर जोर से अम्मी अम्मी चिल्ला रहा था, फिर हम जब पहुंचे दौड़े दौड़े तो देखा कि इरशाद रो रहा था और रुबीना आंटी जमीन पर थी। मेरे यहाँ आने तक तो अंदर कोई भी नहीं आया था सर। मैं मेरी बेटी शाजिया को ढूंढने के लिए अंदर गया तो देखा उसे भी गोली मार दी। मुश्ताक, घर से कुछ चोरी हुआ है? पता नहीं सर, मैंने देखा नहीं, मैं तो दुकान पे था। देसी कट्टे की गोली। डॉक्टर चतुर्वेदी, ये रुबीना ने कोई जेवर पहने थे? हाँ, ये रहे। डॉक्टर, घर से भी कोई सामान चोरी नहीं हुआ, सिर्फ माँ बेटी का कत्ल हुआ है। एक एक गोली दोनों पे फायर हुई है, हद से ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। काम कुछ ज्यादा ही आसानी से हो गया। खेल पूरा टाइमिंग है, पर अपनी टाइमिंग बिल्कुल सटी। कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी मिसिंग नहीं है? कुछ भी नहीं सर, विक्टिम का सेल फोन भी नहीं। इसका मतलब उनका मकसद सिर्फ रुबीना शेख और उसकी बेटी शाजिया का कत्ल था। सर, ये रुबीना शेख अपनी कोठी से ही कोठा चला रही थी। सर, मेरी दो लड़कियों से बात हुई है, एक का नाम आफरीन है और एक का नाम गौहर, और सर दोनों ने कबूल किया है कि वो उस घर में प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी। गौहर, उस पुलिस वाले ने हमारा नाम और नंबर क्यों लिया? इतना मत डर आफरीन, हमने थोड़ी ना कुछ किया है। हमने कुछ नहीं किया, पर डर तो लग रहा है ना। रुबीना भी और शाजिया को इस तरह से मार डाला, अगर अभी हम लोग वक्त पे पहुंचे होते तो हमें भी ऐसे ही मार डालते। हाँ, हमें जसबीर दीदी के पास ही चले जाना चाहिए था। सर, दोनों कल सुबह 10 बजे यहाँ हाजिर होंगी। सर, मुश्ताक से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन मर्डर की वजह से थोड़ा हिला हुआ है। फैमिली में कोई और है इस बच्चे इरशाद के अलावा? रुबीना शेख की एक बड़ी बेटी है, मेरठ में शादी हुई है, मिनाज नाम है। ये सब कैसे हुआ अब्बू? कुछ समझ में नहीं आ रहा मिनाज बेटा। कौन थे, क्यों गोली मार दी तुम्हारी अम्मी को और शाजिया को? कामरान और मैं कल ही कानपुर आ जाएंगे। आ जा बच्चा, आ जा, बहुत अकेला हो गया हूँ यहाँ पर। इरशाद कैसे अब्बू? सबसे पहले उसी ने अपनी अम्मी की लाश देखी। बस बच्चा जल्दी से आ जा इधर। हेलो, कौन बोल रहा है? जी, फोन आपने किया है। मैं मुनीरगंज थाने से सब इंस्पेक्टर अनिल वर्मा बोल रहा हूँ। जी, मैं वाहिदा मलिक बोल रही हूँ, क्या बात है? आज शाम को 5:30 बजे आपको शाजिया के फोन से कोई कॉल आया था क्या? जी जी, आया था। बेटा, वाहिदा को फोन करके पूछ, मुस्कान और अलविरा क्यों नहीं आए 3 दिन से? आप ही फोन करती हूँ। वाहिदा जी, क्या आप जानती हैं शाजिया और उसकी माँ रुबीना का मर्डर हुआ है? या अल्लाह, ये क्या बोल रहे हैं आप? वैसे शाजिया ने आपको किस सिलसिले में कॉल किया था? हालचाल पूछने के लिए, पुराने तालुकात हैं हमारे। आप रहती कहाँ हैं? जी, मोइनुद्दीन नगर में। क्या हुआ मम्मी? अम्मी बोलो ना। अलवीरा, मुस्कान, बैठो। रुबीना और शाजिया अब नहीं रहे। क्या? कत्ल हो गया है उनका। सर, रुबीना के लगभग सारे कॉल्स उसके कस्टमर को ही किए गए हैं। कोरक धंधा जमकर चल रहा था घर से सर। इस रुबीना की सारी हिस्ट्री निकलवाओ, सबसे पूछताछ करते हैं और देखते हैं कौन कितना बोलता है और कितना छुपाता है। कोई तो है जो दुख और दर्द की आड़ में सुकून पा रहा है इस डबल मर्डर से। अब क्या करना है बोलिए, हथौड़ा हमेशा के लिए गर्म नहीं रहेगा। बहुत गर्म है उदय, थोड़ा ठंडा होने दे। जसबीर दीदी, पंछियाँ अभी अभी आज़ाद हुई हैं, कभी उड़ सकती हैं, आसमान बहुत बड़ा है। ऐसे कैसे उड़ जाएंगी, इतनी जल्दी पर नहीं आते। 2-4 दिन रुक जाओ, फिर फेंक अपना जाल,
और खींच ले सारी पंछियों को, प्रॉब्लम क्या है? जैसा आप कहें जसबीर दीदी। खाना लगा दूं? लगा दे। इस डबल मर्डर से कोई कुछ हासिल करने की फिराक में था, इस कत्ल से कुछ लोग शोक मना रहे थे तो कोई खुशियां मना रहा था, लेकिन दूसरे दिन रुबीना के इतिहास के चौंकाने वाले पन्ने सामने आए। लेकिन क्या इन पन्नों पर कातिल का नाम और कत्ल का कारण भी लिखा गया था? एक बात समझ में नहीं है सर, पड़ोस में किसी ने भी गोलियों की आवाज नहीं सुनी। सालों से पड़ोसियों ने जो देखा और जो सुना सब बताया हमें। हमने भी कभी कुछ छुपाया नहीं है सर। हाँ, रुबीना धंधा चलाती थी, लेकिन पूरी ईमानदारी से। लड़कियों से धंधा करवाती थी ईमानदारी से? आप खुद उन लड़कियों से पूछ लीजिए ना जो जो हमारे घर में बैठती थी। किसी के साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी सर, कोई ट्रैफिकिंग का चक्कर वक्कर नहीं था। लिखित में कॉन्ट्रैक्ट होता था, स्टैम्प पेपर पर लिखा होता था कि हम अपनी मर्जी से धंधा कर रहे हैं। शुरुआत यहीं से की थी या कहीं और से? मैडम, हमारे घर की हालत हमेशा खस्ता रहती थी। गरीबी झेलते या जिल्लत, इसीलिए जिल्लत की आदत लगा ली मैडम। हमें किसी ने यहाँ जबरदस्ती नहीं ढकेला, हम खुद से 2 साल से रुबीना अपी के साथ काम कर रहे हैं। ये रुबीना की बेटी शाजिया, ये भी बैठती थी कस्टमर्स के साथ? हाँ मैडम। मीनाज, रुबीना बी की बड़ी बेटी, वो भी यही करती थी उसकी शादी से पहले तक। रुबीना अपनी बेटियों से भी धंधा करवाती थी? हाँ मैडम, लेकिन कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं होती थी, हम सब अपनी मर्जी से यहाँ काम करते थे, मीनाज और शाजिया भी। तुम्हारी रुबीना बी और शाजिया को मारकर किसका फ़ायदा हो सकता है? मैडम, ये हम कैसे बता सकते हैं? हम रुबीना अपी के घर 6:30 बजे तक पहुंच जाते थे, 7 बजे से कस्टमर आना शुरू हो जाते थे और सुबह 4 बजे तक हम वहीं काम करते थे। कल हम लोग लेट गए थे तभी ये सब कुछ। कोई कस्टमर था, कोई दलाल जिसका कभी तुम्हारी रुबीना के साथ अनबन हुई हो या शाजिया के साथ? मालिक, एक तो ये रुबीना शेख कोई छोटी मछली नहीं थी इस कारोबार की, अच्छी खासी छपाई चल रही थी। उसके घर से वो 2 लड़कियाँ गौहर और आफरीन और उसकी खुद की बेटी शाजिया, ये तीनों मिलकर इतना अच्छा छापती थी। नहीं साहब, 8 साल से धंधा चला रही थी रुबीना शेख। पहले ये घर नहीं था, बकायदा असली वाला कोठा था। 25-30 टॉप की लड़कियाँ धंधा करती थी यहाँ से, बड़े बड़े सेठ लोग आते थे। तो बुरे दिन कैसे आ गए? ये जो रुबीना महल है इस पर 3 बार रेड पड़ चुकी है। आप ही के थाने के पहले वाले ऑफिसर के पास केस था, कोर्ट से ऑर्डर आया, सील लग गया 2 साल के लिए। तो ये सेकंड डीलिंग कैसे शुरू हुई? कोर्ट में एफिडेविट बनाकर दिया कि गलत धंधा नहीं करेगी घर से, घर वापस मिल गया। तो सबसे पहले अपनी बड़ी वाली बेटी मीनाज को पार्सल कर दिया शादी करके, फिर सेकंड इनिंग शुरू हुई चुपके से। सिर्फ 3 प्लेयर्स के साथ? और भी हो सकती हैं, थोड़ी फील्डिंग करनी पड़ेगी मुझे मालिक, बताता हूँ आपको। कोई क्यों मर्डर करेगा इनका? मालिक, ये जो उसका पति है मुश्ताक हार्डवेयर वाला, उसको तो घसीट ही लो आप। क्यों? साहब, मामला पैसे का हो सकता है, लाखों रुपए कमाती थी ये रुबीना, लेकिन घर बार सब कुछ उसके नाम पर था, इस मुश्ताक के नाम पर तो कुछ भी नहीं था। मुझे तो शक एक ही शख्स पर है। किस पर? जसबीर कौर। कौन है जसबीर कौर? ये मुश्ताक शेख किसी जसबीर कौर पर ब्लेम डाल रहे हैं। चाले उसके सर, ये कांड उसी का किया करा लगता है। सर, इस जसबीर की पूछताछ बनती है। वर्मा, नेहा, अपने सारे खबरियों को दौड़ा, कट्टा इस्तेमाल हुआ है, जरूर किसी न किसी हिस्ट्री शीटर की इन्वॉल्वमेंट रही होगी। वो हाथ आएगा तो मास्टरमाइंड अपने आप हाथ लग जाएगा। क्या सोचा? रेट वही रहेगा हमारा, रुबीना भी वाला, और शेयरिंग भी वही रहेगी।
तुम लोग कस्टमर से ज्यादा चार्ज करोगे तो हमारा हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा। जो भी टिप विप करेगा वो हमारा होगा, तू उसे हाथ तक नहीं लगाएगा। कल तक जो भीगी बिल्लियाँ बनी हुई थी आज म्यांमार में शुरू कर दिया। कुत्तों के बीच बिल्लियाँ ही टिक पाती है, वो भी तेज नाखून वाली। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त। तू फ्री में नहीं सोएगा हमारे साथ, हफ्ते में एक बार भी नहीं। अरे वो सब नहीं यार, मेरी शर्त बस इतनी सी है कि तुम मेरी लड़कियाँ बनके रहोगी, किसी मैडम मैडम की नहीं। पहले जगह बता और कहाँ काम करना होगा वो बता, उसके बाद बात करेंगे। जी जसबीर कौर, सोच ही रही थी कि अभी तक आप लोग आए कैसे नहीं पूछताछ करने के लिए। सच कहूं तो रिबीना भी की मौत की खबर सुनकर मैं भी चौंक गई। सुना है एक साल पहले तक तुम पार्टनर थी रुबीना की। सही सुना है। तो पहले पार्टनरशिप खत्म की उसके बाद पार्टनर को। वाहिदा, हम दोनों के अरमान हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इसे मिलकर पूरा करते, यही काम हम पार्टनरशिप में करें। चार साल पहले मैंने रुबीना बी के साथ पार्टनरशिप शुरू की थी मैडम, 10% कमीशन था मेरा, अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। देख जसबीर, तू खुद धंधा करती है और मैं नहीं करती, मैं बिजनेस करती हूँ, मुझे काम आता है, मेरे पास लड़कियां हैं, लेकिन तू इस धंधे में क्या करेगी? रुबीना भी, अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे धंधा करना नहीं आता, दर्जनों लड़कियां ला के खड़ा कर सकती हूँ जो यहाँ से धंधा करे। तो फिर ठीक है, तू लड़कियां लेके आ, कमीशन की बात अपन करते हैं। ठीक है, कल ही खड़ा कर देती हूँ। लेकिन एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मेरे यहाँ पे जबरदस्ती वाली बेची गई भगाई गई लड़कियां कदम भी नहीं रख सकती। छी छी रुबीना भी, सवाल ही नहीं उठता। कोई मार पिटाई नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से हंसते खेलते धंधा करेंगे सब। 3 साल सब कुछ ठीक चला, धंधा भी बहुत बढ़ गया था, उसकी लड़कियां मेरी लड़कियां काफी नोट बटोर रही थी। फिर तुम्हारी पार्टनरशिप टूटी क्यों? क्योंकि रुबीना भी मुझे पार्टनर समझती नहीं थी। 3 साल में उन्होंने 5% भी नहीं बढ़ाया और मुझे 25% चाहिए थे। तो तुम अलग हुई? जी, अपनी लड़कियों को लेकर जिन्हें मैं लेकर आई थी। और अब तुझे बाकी की लड़कियां भी चाहिए थी जो तू नहीं लाई थी। इस धंधे में ना सब कुछ ऐसा ही चलता है, यहाँ से तोड़ो वहां से जोड़ो, हरदम यही सब चलता है। इस बिजनेस में लड़कियों की डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा है। बातें तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे बहुत जायज और नेक काम कर रही हो। क्या करे साहब, जो है सो है। हम अपना जिस्म बेच कर रोटी कपड़ा मकान और थोड़ा सा मक्खन बटोर लेते हैं, किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ते। दो लोगों की जाने गई है जसबीर, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर किसका लेना देना है? उससे पूछे जिसने मेरा नाम लिया है, मुश्ताक ने। मुश्ताक ने क्यों लिया तुम्हारा नाम? क्योंकि सबसे ज्यादा शक मुझ पर जाता है। पार्टनरशिप किसने तोड़ी? मैंने। लड़कियों को किसने तोड़ा? मैंने। ग्राहकों को किसने तोड़ा? मैंने। तो विलन कौन हुआ? मैं। तो मुश्ताक अपनी ही बेटी और अपनी ही बीवी को क्यों मारेगा? कैसी बीवी और कैसी बेटी? जो अपनी बीवी की कमाई खाता है वो अपनी अम्मा को भी बेच के खा जाएगा, तो उसमें उसका क्या फायदा? रुबीना के मरने के बाद सब कुछ उसका है। सब मैंने, मैंने कत्ल करवाया, मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब? साहब मेरी पत्नी, तेरी अपनी पत्नी जिसने अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी तेरे नाम नहीं की। ये झूठ है साहब, रुबीना का सारा पैसा उसी के नाम पर था क्योंकि मैं ऐसा चाहता था। सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम कि मेरे अब्बू ऐसा कुछ करेंगे। सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे मिनाज, किसने मारा होगा तुम्हारी छोटी बहन और तुम्हारी अम्मी को? मैं कैसे बता सकती हूँ मैडम, मैं तो यहाँ थी ही नहीं। चलो मान लिया तुझे उसके पैसे नहीं चाहिए थे, तो फिर ऐसा क्या था मुश्ताक जिसकी वजह से तुझे इतना गुस्सा है? उसने तेरी बेटियों को धंधे पे लगा दिया था इसलिए? अरे नहीं साहब, पहले तो आपके कान किसी ने गलत बात से भर दिए। वो तीनों बच्चे मिनाज, शाजी और इरशाद, वो तीनों मेरे बच्चे नहीं है, रुबीना के पहले पति के। पहला पति कौन था वो? 10 साल पहले हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया था मैडम। कैसे? एक्सीडेंट। देख मिनाज, तेरी अम्मी नहीं रही, तेरी छोटी बहन नहीं रही, तो अब तू हमारे साथ कोऑपरेट कर और ये बता
कि तुझे जबरदस्ती डाला गया इस धंधे में? बिल्कुल नहीं मैडम, मैं और शाजिया तो बचपन से अम्मी और बाकी औरतों को देख देख कर बड़ी हुई हैं। हमारे लिए ये आम बात थी, अम्मी या अब्बू किसी ने भी हमसे एक बार भी नहीं बोला कि ये धंधा करो। तो तुमने छोड़ क्यों दिया? शादी कर ली ना मैडम, उसके बाद ये सब नहीं करना था। तो मुश्ताक ने तुम्हारी अम्मी को जबरदस्ती ढकेला था इस धंधे में? नहीं नहीं, वो तो अम्मी से बहुत प्यार करते थे, हमारा भी ख्याल रखते थे। हाँ, उन्होंने ये दुनिया जरूर दिखाई थी, लेकिन अम्मी का खुद का फैसला था इस धंधे में उतरने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा कमाना आसान है। कॉन्ट्रैक्टर लोगों के लिए लड़कियों का इंतजाम करता था मैं किसी जमाने में, ये सच है। जिनके यहां माल मेरी दुकान से जाता था ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, फिर इश्क हो गया, रूबीना से शादी कर ली ताकि जिंदगी भर उसकी कमाई खा सके। अरे नहीं साहब, मैंने उससे कहा था कि ये धंधा करते हैं, इसमें पैसा है, वो मान गई। कस्टमर मैं लेकर आता था, वो धंधा चलाती थी, जिसमें से एक भी पैसा उसने तेरे नाम नहीं किया। तो साहब, मैं खुद चाहता था कि पैसा उसके नाम पर रहे। क्यों? क्योंकि वो खुश रहे, उसे ऐसा नहीं लगे कि उसकी कमाई को छीन रहा। बहुत प्यार करता था उससे साहब मैं। तो फिर उसे मारा कि मुश्ताक? भला मैं क्यों मारूंगा उसे? शाजिया, इरशाद, मिनास, इन तीनों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूं मैं, फिर उनकी अम्मी को क्यों मरवाऊंगा साहब? जरूर आपको जसबीर ने भड़काया होगा, अपने आप को बचा रही है साहब, वो एक नंबर की शातिर औरत है वो। अलविरा और मुस्कान हमारे साथ रहेंगी, हम सब मिलकर धंधा चलाएंगे। तू और लड़कियों का बंदोबस्त कर, तुझे तेरा कमीशन मिल जाएगा। वारी है ना, मैं तुझे अलविरा मुस्कान के साथ अपनी डील के बारे में बता रहा हूँ और तू अपनी दुकान अलग से खोलने पर लगी हुई है। ऐसा है ना उदय, तू ठहरा साला मर्जाद, अगले 20 साल बाद भी ना हम औरतों की दलाली खाता रहेगा, लेकिन इस धंधे में साली हम औरतों की ना एक्सपायरी डेट होती, क्या समझा? हाँ हाँ सब समझा, चल सोच के बताता हूँ। पक्का? हाँ 100%, एक लड़की ने ही मुझे बताया है। एहसान फरामोशी की हद तो देखो, थोड़ी सी बेड़िया क्या खोली, सबके पर निकल आए। अवैध गोरख धंधा इस तरह चलाया जा रहा था जैसे कोई जायज बिजनेस हो। असल अजीब बात थी, खुद की बेटियां भी यही धंधा कर रही थी, वो भी सब अपनी मर्जी से, और ये दोनों लड़कियां भी, गौहर और आफरीन। सवाल ये उठता है कि मर्डर किसकी मर्जी से हुआ है और क्यों? ये सारे मिले हुए हो सकते हैं सर, इस रूबीना की काफी प्रॉपर्टीज हैं, गहने हैं, ब्लैक का पैसा है जैसे वो मार्केट में चला रही थी। मुश्ताक को शायद ये सारी दौलत चाहिए थी और जसबीर को भी, कहीं ये दोनों मिलकर हमें गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? सर बड़ी बेटी मीनाज भी तो है। मीनाज, मुश्ताक, जसबीर, ये सब मिले हुए हो सकते हैं सर रूबीना की दौलत को हासिल करने के लिए। हो सकता है, लेकिन जिसने भी इस मर्डर की सुपारी ली है वो कोई पेशेवर हिस्ट्री शीटर होंगे या होगा? इतनी परफेक्शन के साथ शाम के टाइम आना, शोरगुल के बीच में चुपचाप एक एक गोली माँ बेटी को दागना और आराम से निकल जाना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ये कोई पेशेवर हिस्ट्री शीटर हैं तो इनकी कोई हिस्ट्री निकल क्यों नहीं रही? कोई भी खबरी अभी तक कोई ढंग की खबर क्यों नहीं ला पाया? कौन है ये हत्यारा या हत्यारे? इतना क्या सोच रही वाइदा, यहीं से शुरू कर सकते हैं हम अपना धंधा। पर हिना यहाँ से कैसे? कैसे नहीं, रूबीना बी ने भी तो ऐसी छोटी सी जगह से ही शुरुआत की थी ना, महल फहल तो बाद में आए। और देख इसे, ये मुस्कान, अलविरा, सोने की मुर्गियां हमारी, और भी कई चिड़िया आ जाएगी। ठीक है तो यहीं से शुरू करते हैं। दिन ब दिन ये केस पेचीदा होता जा रहा था, ये डबल मर्डर फ्लैश ट्रेड की दुनिया में हुआ था, जहां इस व्यवसाय में शामिल सभी लोग बड़े ढीठ अंदाज में अपना कारोबार चला रहे थे, डंके की चोट पर। लेकिन फिलहाल इस कत्ल का मकसद और कातिलों की पहचान दोनों पुलिस के रडार के बाहर थे। बस एक बाय चांस नजर में आई बात ने पुलिस को इस केस के चक्रव्यूह में पहला दाखिला दिया। हाँ मालिक, जब से इस रूबीना शेख का कत्ल हुआ है बहुत अफरा तफरी मच गई है। कैसी अफरा तफरी और कहाँ? दलालों के बाजार में। एकदम ठीक पकड़े हैं मालिक, एक दल्ला है जो जसबीर कौर के लिए काम करता है।
बंदा काफी फुदक रहा है। रूबीना बी की लड़कियों को खींचा जा रहा है, गेम खेला जा रहा है कोई जबरदस्त। नाम बोल दो इसका। उदय, उदय नाम है बंदे का। जसबीर के लिए काम करता है? जी मालिक, और उससे पहले रूबीना के लिए लड़कियां अरेंज करता था। नैनी साहब, मेरा कोई खुद का कोठा उठा नहीं है, मैं तो बस वो रूबीना बी की लड़कियां फ्री हो गई थी तो दूसरी जगह लगा दिया। रूबीना शेख की लड़कियां फ्री हुई थी या फ्री कराई गई थी? क्या मतलब साहब? तुम्हारी लाइन में कभी कोई लड़की फ्री होती है? एक पिंजरे से निकली तो दूसरे पिंजरे में दाखिल। किसने मरवाया रूबीना शेख को? सब मुझे नहीं मालूम साहब। तो तुम दोनों को सब कुछ मालूम है? आफरीन, गौहर, उस दिन तुम लोग लेट इसलिए पहुंचे क्योंकि तुम्हें लेट पहुंचने के लिए बोला गया। किसने कहा था लेट पहुंचने के लिए? नहीं मैडम, हम सच में लेट हो गए थे, हमारा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। मेरा हाथ क्यों होगा साहब? मैं तो छोटा सा दल्ला हूँ, खूनी नहीं। तो फिर खूनी कौन है? किसने मरवाया रूबीना शेख को? मुझे क्या मालूम साहब, मैं इन बड़े लोगों के झगड़ों में नहीं पड़ता। झगड़ा मतलब बिजनेस वाला झगड़ा था मैडम, जसबीर दीदी और रूबीना बी के बीच। तुम दोनों को लेकर? जी हाँ मैडम, जसबीर दीदी हम दोनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। इस तरह रूबीना शेख को खत्म करके? नहीं नहीं मैडम, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। मैडम रूबीना भी रही नहीं तो हम लोगों ने उदय से बात की क्योंकि मैडम हमें काम की सख्त जरूरत है। साहब वो आफरीन और गौर फ्री हो गई थी, इससे पहले कोई और झपट्टा मारता मैंने उन दोनों के साथ डील कर ली। कोई और झपट्टा? कौन कोई और? बोल साहब, अब मौका देख के कौन चौका नहीं मारना चाहता है? और वो दोनों लड़कियों की अम्मा भी तो सब अपना खुद का कुछ शुरू करने का प्लान कर रही है। कौन दोनों लड़कियां? साहब वो है ना अलवीरा और मुस्कान, उसकी अम्मा वहीदा और उसकी सहेली हिना, वो दोनों मिलकर अपना खुद का कोटा शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। कौन वहीदा? वहीदा मलिक? जी सर। वो मोइनुद्दीन नगर वाली? हाँ वही। सर इस वहीदा से मैं बात कर चुका हूँ, शाजिया के फोन से लास्ट कॉल उसी को गया था। इस वहीदा की दोनों बेटियां अलवीरा और मुस्कान, ये रूबीना महल से ऑपरेट करती थी? हाँ सर, वो दोनों उधर ही बैठती थी और मैं उन दोनों के लिए सेटिंग करता था। दलाली? हाँ सर दलाली। अलवीरा और मुस्कान भी हमारे साथ काम करती थी रूबीना महल में। लेकिन मैडम मर्डर के 4-5 दिन पहले से उन्होंने काम पे आना बंद कर दिया था। सही, अलवीरा और मुस्कान को उठाते हैं, उन्होंने 4-5 दिन पहले ही रूबीना महल जाना छोड़ दिया था। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि कुछ होने वाला है। नेहा एक काम करो, इस वाहिदा के घर जाओ और अलवीरा और मुस्कान से बात करो। और वर्मा मुझे इस वाहिदा और हिना की पूरी बैक स्टोरी चाहिए। इस जिस्म फरोशी की नौटंकी में ये 4 नए किरदार दाखिल हुए हैं, देखते हैं क्या रोल है इनका। मैडम ये वहाँ जाती थी पर ऐसे ही, मैं जानती थी ना रूबीना और शाजिया को। वाहिदा मलिक ये बात मुझे अलवीरा और मुस्कान से सुननी है। अरे ये क्या बताएंगी, इन्हें क्या पता वहाँ खून होने वाला है, ये तो बच्चियाँ हैं। दोनों से धंधा करवाती हो, अपना कोठा शुरू करने वाली थी। वाहिदा ये कुछ बोल नहीं रही है पर कह काफी कुछ रही है। क्या मतलब? जबरदस्ती होती थी तुम्हारे साथ अलवीरा मुस्कान? नहीं नहीं मैडम, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। हिना कौन है? क्यों? मैंने पूछा हिना कौन है। मेरी सहेली है। ये हिना आप लोगों के रडार में कैसे आ गई मालिक? ये हिना चीज क्या है जावेद? बहुत ही पहुंची हुई चीज है। स्टोरी बता इसकी। टॉप की वैश्या हुआ करती थी हिना, फिर अपने ही ग्राहक के इश्क में पड़ गई, शादी भी हो गई। किसके साथ? एक ट्रेवल की गाड़ी चलाता है, कादिर कुरैशी नाम है। इसकी भी बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है। सुना सर, मुझे लगता है वाहिदा का इन सब चीजों में कोई ना कोई कनेक्शन है, उठा लेना चाहिए इसे। क्यों लगता है कोई कनेक्शन है? सर वाहिदा की दोनों लड़कियां अलवीरा और मुस्कान, सर दोनों के हाथ पे मार के निशान है, लगता है दोनों के साथ जबरदस्ती की जा रही थी। और सर ये उदय भी कह रहा था कि वाहिदा और उसकी सहेली हिना ये दोनों पार्टनरशिप करने पे तुले हुए हैं। वाहिदा और दोनों लड़कियों से अलग अलग क्वेश्चनिंग करेंगे, तीनों को थाने ले आओ। ये हिना का पति कादिर कुरैशी हिस्ट्री शीटर है। अच्छा, चार्ज क्या था? अपनी पहली पत्नी का मर्डर, 7 साल जेल काट चुका है बंदा। सुनिए,
मेरी बच्चियों को जाने दीजिए। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, जो सवाल करना है मुझसे करिए, पर मेरी बच्चियों को जाने दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया है। बेटा अलवीरा, मुस्कान, देखो हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी जानती हो सच सच बोलो। मालूम था तुम्हें रुबीना और शाजिया का कत्ल होने वाला है? नहीं सर, हमें नहीं पता। क्या तुम दोनों को पता था कि तुम्हारी अम्मी वाहिदा और उसकी सहेली हीना ये अपना खुद का कोठा शुरू करने वाली थी? और क्या यही कारण था कि उन्होंने रुबीना को मरवा दिया? सर, ये जो औरत है वाहिदा, जो बाहर बैठी है। हाँ, ये दोनों बेटियां उसकी, अलवीरा और मुस्कान। सर, इस वाहिदा की सहेली हीना, उसका पति कादिर पुराना हिस्ट्री शीटर है। वो अपनी पहली पत्नी के कत्ल में 7 साल जेल में काट चुका है। देखो अलवीरा, मुस्कान, अब भी वक्त है, सच सच बोलो अगर कुछ जानती हो तो। सर, सच में हमें कुछ नहीं पता है। बेटा, तुम्हारे हाथ पे मार के निशान कैसे हैं? किसी ने मारा? तुम लोगों से जबरदस्ती धंधा कराया जा रहा था या फिर चुप रहने के लिए मारा गया? तुम दोनों बालिग हो लेकिन अभी भी बच्चियां हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ ये कभी होना नहीं चाहिए था, और यकीन मानो आज के बाद कभी नहीं होगा। लेकिन प्लीज हमें ये बताओ कि तुम्हारे हाथों पर ये निशान कैसे आया? अब्बू ने मारा है हमें। वो रुबीना भी और शाजिया के कत्ल के 5 दिन पहले उन्होंने हमें वहां जाने से रोका और खूब मारा। कौन है तुम्हारे अब्बू और क्यों मारा उन्होंने तुम्हें? वो हमारे सौतेले अब्बू हैं, कादिर कुरैशी। क्या, कादिर कुरैशी? जी। वो तो हिना का पति है। जी साहब, कैसा ना हुआ? अब तू अपना नया धंधा जमा नहीं पाएगा कादिर, क्योंकि तेरे धंधे पर कानून हावी होने वाला है। और हाँ, हिना को भी बुला ले, उसका भी बराबर का हिस्सा है ना तेरे धंधे में। जो समझा जा रहा था दरअसल वैसा था नहीं। इस डबल मर्डर के पीछे का मोटिव कुछ ऐसा निकला जिसने सबके होश उड़ा दिए। और सबसे चौंकाने वाली बात थी उन तमाम लोगों की कहानियां जो इस अमानवीय फ्लैश ट्रेड के दलदल में फंसे हुए थे। तुम दोनों को पता था कि ये मर्डर होने वाला है? जी नहीं मैडम। मैडम जी, हमारी पार्टनरशिप की बात तो रुबीना के कत्ल के बाद हुई थी। इस बारे में हमें कुछ नहीं पता सच में। और हमारा इन सब से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। और कादिर को तो आप इस सब में ना ही लाइए, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। हैरत की बात तो ये है कि इस गलत धंधे में तुम लोग गले तक डूबे हुए हो और सही गलत की बात इतनी आसानी से करते हो। देखिए मैडम जी, कादिर ने कत्ल नहीं किया। उसने अकेले नहीं किया होगा, तुम सबने साथ दिया उसका। क्या खेल खेलता है कादिर? पहली बीवी को मार डाला, उसके बाद वाहिदा से शादी की, फिर हिना से। इस गोरख धंधे का पुराना चावल मालूम होता है तो? बस पुराने चावल की तरह उबलने में देर मत लगाना कादिर, क्योंकि हम तुझे निथारेंगे नहीं, पहले उबालेंगे फिर गलाएंगे, उसके बाद तेरी खिचड़ी बनाएंगे। मेरी पहली बीवी के साथ मेरा झगड़ा था वाहिदा को लेकर, क्योंकि मैं उससे इश्क करता था, इसलिए गर्मा गर्मी में हाथ चल गया और वो मारी गई, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन इस जिस्म फरोशे के धंधे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही कभी वहीदा का था। मर्द की जात एक जैसी होती है मैडम जी। मेरे पहले शौहर ने किसी दूसरे के लिए मुझे छोड़ दिया, फिर ये कादिर आया मेरी जिंदगी में, और थोड़े टाइम बाद वो भी हिना के प्यार में पड़ गया। अलवीरा और मुस्कान तुम्हारे पहले पति से हैं? हाँ मैडम जी, मुझे तो इस धंधे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये रास्ता तो मुझे हिना ने दिखाया था। साहब, मैं कभी कभार बैठता था हिना के साथ, पर कभी शकुआ कुछ पता ही नहीं चला। और मैंने उसके सामने शादी के लिए एक शर्त रखी कि वो धंधा नहीं करेगी। जी, और मैं कोई दल्ला वल्ला नहीं हूं साहब, टैक्सी चलाता हूं। और आपको क्या लगता है
कि मैं खुद अपनी बेटियों अलवीरा और मुस्कान को इस लाइन में आने देता? सौतेली बेटियां कादिर, उन बच्चों के हाथों के निशान शताब बताते हैं कि तू उन्हें मार मार कर जबरदस्ती इस धंधे में भेजता था। बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें इसलिए नहीं मारता था कि वो धंधा करें, बल्कि इसलिए मारता था कि उन्हें ये धंधा करने से रोक सकूं। दोजख है वो। तुम बच्चों को वहां सड़ने के लिए क्यों भेजती हो? जिस हिना से तुम नफरत करती हो उसकी बातों में कैसे आ गई? बच्चियां मेरी हैं। तुमने तो मुझे तलाक देकर पल्ला छाड़ दिया और चली गई उस कमीनी हिना के पास। अब हम मरे सड़े या दोजख में जाएं, तुमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अलवीरा और मुस्कान मेरा खून नहीं है, लेकिन रिश्ता तो बाप का ही है। मैं अपनी बच्चियों को वहां सड़ने के लिए नहीं भेजूंगा, कभी नहीं। बेटा मैं तुम्हारा अब्बू, मैं जब तक जिंदा हूं ना तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा, और मेरे बाद भी नहीं। इंतजाम करके जाऊंगा ना तुम्हारे लिए। ये खोखली बातें जाके तुम उसी ना के पास करना जिसके लिए तुमने हमें छोड़ दिया, और वैसे भी वही तो है जो इन दोनों में डोरे डाल रही है। आज के बाद अलवीरा और मुस्कान पर डोरे नहीं डालेगी तू। और एक बात अपने घटिया दिमाग से निकाल दे कि लड़की अगर किसी के साथ बैठ गई उसके बाद आदत बन जाती है, अब वो ये धंधा नहीं करेंगे। निकाल लिया है मैंने उन्हें। तुम ऐसा नहीं कर सकते कादिर, क्योंकि तुम धंधे में से लड़की को तो निकाल सकते हो लेकिन लड़की में से धंधे को नहीं। और जब वाहिदा को कोई तकलीफ नहीं हो रही तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? बेहया औरत, तुझे उस गंदी नाली से निकाल कर शरीफों के बीच लाया, लेकिन तू बनी ही वहां के लिए है। गंदी नाली से कमाया हुआ है शराफत से, पैसा और सिर्फ पैसा बोलता है। जाकर देखो उस रूबीना शेख को कहां से कहां पहुंच गई है। अरे दोजख में है वो रूबीना, और मेरी बच्चियां मेरे जीते जी उस दोजख में कदम नहीं रखेंगी, समझी तू? रोक कर दिखा, अपनी मर्जी से धंधा करने वाली लड़की ना किसी के बाप की नहीं सुनती। हाँ, तुम तो वैसे भी सौतेले बाप हो। हिना की बात सच निकले, नहीं रोक पाया मैं अलवीरा और मुस्कान को इस धंधे में जाने से। कादिर मियां, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। मैं अलवीरा और मुस्कान की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तो कह दो ना उनसे कि ना आए, मैंने कोई दावत पे थोड़े बुलाया है। और वैसे भी वहीदा और हिना ही उन्हें यहाँ लेके आई थी। तुम्हें ऐसे बच्चियों से धंधा नहीं करवाना चाहिए रूबीना भी। कादिर अपनी औकात में रहो, मेरा धंधा मुझे कैसे चलाना है तुम मुझे सिखाओगे? अरे मेरे यहाँ पे धंधा सीधे और साफ तरीके से होता है, कोई गंदगी और जबरदस्ती नहीं है। और नसीहत देने का इतना ही शौक है ना, तो जाके अपने दोनों बीवियों को चुप कराओ पहले, तब हो सकता है तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारी बात सुने। लेकिन मैं नहीं, मैं ना तुम्हारी छोड़ी हुई बीवी हूं और ना तुम्हारी सौतेली बेटी। कादिर भाई, कब तक ऐसे मुंह लटका के जियोगे? समझ नहीं पा रहा यार माजिद, कैसे समझाऊं बच्चियों को, कैसे काबू में रखूं ये हिना और वहीदा को? बीड़ियां लगा तो नहीं सकते, पर बीड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ तो सकते। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वो बेड़ी रूबीना थी और मैंने उन बेड़ियों को ही तोड़ डाला। तूने रूबीना शेख को मार डाला जान से। जी हाँ। कौन है, कौन है ये? कादिर, कादिर क्या है ये सब? अब ना कोई दावत होगी ना महफिल सजेगी, बचा रहा हूं अपनी बच्चियों को। कादिर भाई, बाहर के शोर में किसी ने कोली की आवाज नहीं सुनी होगी, अभी निकलते हैं यहाँ से। बच्ची को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे तो उसका नाम तक मालूम नहीं था, पर ये जरूरी था ताकि वो गवाही ना दे सके। कादिर शेख, तूने अपनी बच्चियों को बचाने के लिए एक औरत और उसकी बेटी को मार डाला,
मुमीत ने आराम से। और क्या करता साहब? 101 चीजें कर सकता था कत्ल करने के अलावा। वाहिदा, हिना और रुबीना की शिकायत कर सकता था पुलिस में। एक हिस्ट्री शीटर की शिकायत की फिक्र कौन करता है साहब? गरीब मासूम बच्चों की फिक्र कौन करता है? और सच बताइए, क्या इन गोरख धंधों के बारे में आपको कुछ नहीं पता? इन दल्लों और इन मैडमों के बारे में जो ये धंधा चला रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता? ये सब छुपकर चलाया जाता है। कितना छुपकर और कितना बताकर, इसके बारे में आप बेहतर बता सकते हैं साहब। कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से रुबीना महल एक बार फिर से सील हो चुका है। इस धंधे से जुड़े हर किसी की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही है। इस कांड से जुड़े सभी लोग अब पेट पालने के लिए दूसरे तरीके अपना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अबे, थोड़े दिन चुपचाप पड़ा रहना शांति से। इस वक्त पुलिस की नाक कुछ ज्यादा ही सूंघ रही है। थोड़े दिन बाद बात करूंगी, रख फोन अभी। कादिर कुरैशी और माजिद इब्राहिम को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिरफ्तार किया गया है। अवैध दिशा में की गई मेहनत फल भी अवैध ही देती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अवैध फल इंसान को ऐसी बेड़ियों में जकड़ लेता है जो उसे नाखुशी की आंधी में लपेट लेती है। इन बेड़ियों को या तो कानून तोड़ता है और मुजरिम पर जेल की बेड़ियां लगा देता है, या फिर उस इंसान को अंदरूनी एहसास होता है कि इन बेड़ियों को उसे खुद ही तोड़ना पड़ेगा। कादिर ने बचाव में यह तो कह दिया कि सारा सिस्टम वेश्यावृत्ति को नजरअंदाज करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ कानून का दरवाजा खटखटाना ही है। पर जो कदम कादिर ने उठाया, उस वजह से उस पर कानूनी बेड़ियां लगनी ही थी। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।